इंजेक्शन जो आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में एक बार लगवाया ही होगा, फिर चाहे वो लगवाना आपको पसंद हो या ना हो। पर आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि जो इंजेक्शन्स होते हैं उन्हें डॉक्टर कभी हाथ में तो कभी कमर में क्यों लगाते हैं? क्या उन डॉक्टरों को बोल करके हम इस इंजेक्शन को अपनी मर्जी से नहीं लगवा सकते? तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ में लगने वाले इंजेक्शनों में और कमर में लगने वाले इंजेक्शनों में डिफरेंट होता है। हाथ में वही इंजेक्शन लगते हैं जो लिक्विड में थोड़ी पतली होती हैं। जी हाँ, और ये इसीलिए ज़्यादा दर्द नहीं देते हैं क्योंकि आसानी से हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। और कमर पर जो इंजेक्शन लगते हैं वो पतले इंजेक्शन के मुताबिक थोड़े गाढ़े होते हैं, और यह कमर पर इसलिए लगते हैं क्योंकि ज़्यादा पेनफुल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह आसानी से हमारे ब्लड में मिल भी नहीं सकते, इसीलिए इन्हें कमर पर ही लगाया जा सकता है। और अगर कमर पर लगवाने वाले इंजेक्शन को अगर हम गलती से हाथ पर लगा भी लेते हैं तो इससे हमें ही ज़्यादा दर्द होगा और कभी कभी आपका हाथ काम ही नहीं करने लगेगा। तो दोस्तों यही था इसका मेन कारण। यह इन्फॉर्मेशन जानकर के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी ही छोटी मोटी और जानकारियाँ जानने के लिए।